मैं यहाँ पे सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मामा पापा थैंक यू, आज मैं जो हूँ वो आप लोगों की वजह से हूँ। आज हम उससे बना बड़ा हो गए चल रहे हैं। जैसे आप हर बच्चे को उसके वालदैन बना रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी कि मुझे एक और अच्छा इंसान बनाने में मेरे तीनों बच्चों का हाथ है, जिससे दो खास तौर पर कहा महमूद उनका भी शुक्रिया कि आज मैं जो अल्लाह का काम करने निकली हूँ वो उन दो बच्चों की वजह से, वरना ये प्लान में नहीं था। बहुत सारे नाम, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे हमारे बेनिफिशियरीज यहाँ हैं। एक सात साल कहने के लिए शायद थोड़ा ज्यादा बड़ा लफ्ज है, लेकिन एक्चुअली पहले दो साल तो हमें इसी में लगे कि हम एनजीओ हैं और हमने ये सर्वाइव कैसे करें। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे लिए पैसे मांगना बहुत मुश्किल था, हम नहीं मांग सकते। और एनजीओ जैसा लफ्ज अपने साथ जोड़ना एक्चुअली अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा नाकाबिले एतबार एनजीओ है। तो इस लफ्ज को कैरी करना, इस लफ्ज के ट्रस्ट लोगों का कायम करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। दो साल का एक्चुअली हमें उससे लग रहे हैं, और ये जो भी आपने यहाँ पे काम देखा ये हमारा पिछले पाँच साल का काम है ट्रस्ट से का। मेरी जिंदगी में कितनी मेरे दो बच्चे लेकर आए, मुझे सबको पता नहीं था कि ये आगे मैं इनको कैसे लेके चलूंगी, और कुछ एक्सेप्टेंस के इशू से मुझे पाकिस्तान में होना पड़ा। मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं जब से सारी चीज़ें कर रही और आराम से पास ले रही अपने बच्चों के साथ, बहुत अच्छी फैसिलिटीज इनको दे रही, लेकिन पाकिस्तान से इश्क मुझे यहाँ पर लिया है। मुझे सब दोस्तों को अल्लाह ने मेरे बच्चों को शिक्षा देने लगी कि वो पाकिस्तान में भी देगा, मुझे कहीं और जाने की जरूरत है। मैं पाकिस्तान में यहाँ पे काम शुरू किया, जब देखा ये एक ही जुमला जो अभी आप देख रहे थे, ये टैक्स मेरे पे लगे, खराब बच्चे पैदा करने का नजर लगा रही है हमारे बच्चों को, मैंने बहुत पाकिस्तान आके मुझे लगा कि मेरा गलत फैसला, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। काम शुरू करना था, बहुत तकलीफ में थी, बहुत नाउम्मीदी में थी, कोई स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा था मेरे बच्चों को, मेरे हर हर स्कूल हर हर जगह जाने लगे, और अक्सर तो ऐसे में स्कूलों से लोगों की कमी निकलती थी। मेरी इतनी मुश्किल बात थी कि मुझ जैसी माँ मेरी फैमिली के बच्चे जब स्कूल नहीं जा सकते, और वो नहीं गए, मेरे बच्चे जब स्कूल नहीं गए पाकिस्तान। मैंने अपने दोस्त अली से बात की, उन्होंने कहा यार हम वहाँ पर अवेयरनेस शुरू करें, हम लोगों में एक सेकेंड शुरू करें, हमारे बच्चों में एक सेकेंड सीनियर से। एक्चुअली हमने जो समझ में आया है कि हमने अवेयरनेस शुरू कर दी, जब अवेयरनेस शुरू की, लोगों से बात शुरू की और उनको बताना शुरू किया कि आपके बच्चे बोझ नहीं है, तो उनका सवाल ये आ रहा था कि कैसे बोझ है। और जब हमने सोचा तो एक्चुअली वो बोझ है, दरवाजा हमने नहीं छोड़ा, एक्चुअली हमने दरवाजों पे बैठ के उस प्रोजेक्ट को लिया कि खुदा का वास्ता हमें जो बच्चे दे दो, हमें प्रोजेक्ट दे दो, हम उनका जो सब कुछ संभाल लेंगे। चंदन का प्रोजेक्ट हमारे जो यूनिवर्सिटी में आती है एडमिशन के लिए, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो बैठ सके कुछ कर सके, अभी उनकी बात खत्म नहीं हुई थी। और मैंने बैठ गई, मैंने कहा मैडम उसका हम चले आगे क्या, मैं आपको ये उस वक्त कैसे बताऊँ, मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए एक्सेसिबिलिटी की वजह से, होम इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट है, मेरे लिए बहुत बड़ा था उसको एक्सेसिबल करना, ताकि अब पाकिस्तान की लाहौर की बाकी की बच्चियाँ आके अपनी एजुकेशन कम्प्लीट कर सकें। किसी और माँ को ये महंगी हो, बहुत आजमाइश की, बहुत सब कुछ था, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे, ना हम हटे ना हमारी टीम हटे। हमारे लिए काम अल्लाह का काम है, हम अपने पाकिस्तान के लिए काम करने लगे हैं। आज हम लाहौर में हैं और आज अपनी सातवीं सालगिरह के मौके पर मैं अनाउंस कर रही हूँ, हम लोग प्लान में हैं
कि अपने 10 साल पूरे होने से पहले पहले सियालकोट, मुल्तान और इस्लामाबाद हम टारगेट करके जा रहे हैं इंशाल्लाह। मेरी दोस्त, मेरी सहेली, ये वो पहली सहेली है। मैंने नाम भी नहीं अभी रखा था, तो मैंने इसको फोन किया था, एन एच काम कर रहा था, पाकिस्तान में बहुत से जरूरत है, इसलिए क्या कैसे करेंगे, मैं तो बाहर हूँ। मैंने कहा तुम बाहर से करना, मैं यहाँ से सेटल करूँ, मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे।